मेरा नाम शेषदेव बढ़ई है, मैं उड़ीसा के बरगढ़ जिला की निवासी हूँ। मेरा नाम जमुना प्रसाद साहू, जन्मस्थल मध्य प्रदेश में देवसर, जो आजकल सिंगरौली जिले में आता है, वहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह देवांगन है, मैं दक्षिण बस्तर इकाई कोंडागांव जिले से हूँ। मेरा नाम रमाकांत पंडित, बिहार जिला पटना मोकामा थाना के अंतर्गत ग्राम सिखारजग का निवासी हूँ। मेरा नाम मोहित कुमार साहू है, मैं ग्राम मेंघा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। ब्रह्म कमंडल से धरती पर उतर सुरसरी आई, नवयुग के शंकर ने जिसके लिए जटा फैलाई, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे, साप मुक्त करने की अब तो हमने सपाथ उठाई। मिशन के प्रति झुकाव, हम जब पढ़ रहे थे आठवीं क्लास में थे, उस समय पहले से ही हमारे गांव में हर साल पांच कुंडी यज्ञ हुआ करता था, तो उस समय हम लोग छोटे छोटे थे लेकिन उसमें सहयोग करते थे, आम तोरण लगाना, उसमें समिधा लाना, इसमें वो तीन दिन यज्ञ चलता था, तीन दिन हम लोग सहयोग करते थे। और हमारे गांव में तीन चार परिवार ऐसे थे संपूर्ण रूप से गायत्री परिवार से जुड़े थे। हमारे घर में तो सबसे पहले हम ही जुड़े हैं, हमारे परिवार के कोई जुड़े नहीं थे, लेकिन हम उसमें बहुत अच्छा लगता था। जब यज्ञ चलता था तो हम उसमें भाग लेते थे, और फिर हमारे साथ एक भाई पढ़ते थे, हमारे से एक क्लास ऊपर था, रुद्रमणि भगर्ती, उनके घर में युग शक्ति गायत्री पत्रिका, उसको हम लोग पढ़ते थे। उसमें छोटी छोटी जो ब्रैकेट में रहता है सद्वा की, वो बहुत अच्छा लगता था, और फिर धीरे धीरे उसको पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था। पढ़ने के बाद भी हम लोगों को लगता था कि ऐसा स्थान है, जो वहाँ यहाँ के लोग जो जाते थे टोली में, वो बताते थे शांति कुंज के विषय में, मथुरा के विषय में, तो बहुत अच्छा लगता था। मन ही मन सोचते थे कि हम भी कभी उसमें जाएंगे, लेकिन संयोग से ऐसा हुआ 1990 में हम संबलपुर में कुछ दिन तक हमारे साथियों के साथ रहते थे, तो संबलपुर में जो गायत्री शक्तिपीठ है डॉक्टर सन्यासी सेठ द्वारा बनाया हुआ, बहुत ही अच्छा दिव्य मंदिर है, वहाँ हम लोग जाया करते थे हमारे साथियों के साथ। तो फिर सन्यासी सेठ कई बार हमको मिल जाते थे, रविवार के दिन हम जाते थे, तो उन्होंने कहा, एक दिन बिठा करके पूछा कि बेटे तुम लोग क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तो सारे चीज़ हमने बताए, और बताने के बाद उन्होंने कहा, इस प्रकार के जीवन क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो, यदि अपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप लोग शांति कुंज चले जाओ, शांति कुंज जाइए और वहाँ से आप युग शिल्पी कीजिए, प्रशिक्षण लीजिए, फिर आप लोग अपने जीवन को आगे अच्छे से बना सकते हो, इस समय सख्त आवश्यकता है स्वयं सेवक की। तो हम लोग सुनते थे लेकिन ये स्वयं सेवक क्या होता है, युग शिल्पी क्या होता है, इसके विषय में हमें जानकारी थी नहीं। फिर वहाँ रहते थे और हमारे भाई जो रुद्रमणि, उनके सपरिवार मतलब गायत्री परिवार में जुड़े हुए थे, और उनके मन में सबसे पहले विचार आया कि नहीं, आप लोग अपने काम मत छोड़ो, अभी आप लोग अपने काम में व्यस्त रहो, मैं पहले जाऊंगा, वहाँ देखूंगा वहाँ का स्थिति कैसा है क्या है, उसके बाद फिर मैं जब पत्र दूंगा या आपको बताऊंगा तो आप लोग आना। तब फिर हम दोनों इस प्रकार से विचार किए, हमारे एक साथी है जो अश्विनी प्रधान, हमारे बरगढ़ जिला के ही हैं, भटली के पास वो कैसे पली, तो रुद्रमणि यहाँ जून महीने में आए, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त
दो तीन महीने रहने के बाद उन्होंने हमको बुलाया। हम सितंबर महीने में 19 तारीख को यहाँ हम दोनों भाई आए थे 1991 में। तो फिर यहाँ आने के बाद हमको ऐसा लगा जैसे शांति कुंज आते ही एक दिव्य वातावरण यहाँ का ऐसा महसूस हुआ कि धरती का वास्तव में स्वर्ग, जैसे डॉक्टर सन्यासी सेठ कहते थे। फिर जो उनके पत्रिका है, उनके साहित्य है, ये पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ये लिखने वाला ऐसे विचार लिख रहे हैं तो वो कैसे होंगे दिखने का, हमको वहाँ मिलने का बहुत उत्कंठा अंदर से हुई। तो फिर हमारे माध्यम यही रहा कि गुरु जी के साहित्य, उसके माध्यम से हम मिशन से जुड़े। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमें ये लगा कि वास्तव में हमारे जीवन धन्य हो गया। कभी पुराणों में सुनते थे, जो रामायण में महाभारत में, कि भगवान राम के साथ बीज बंदर जुड़ करके अपने भाग्य को कैसे वो बदल दिए थे। हमें बिल्कुल ऐसे महसूस होता था कि वास्तव में उस रामायण काल में तो हमने राम को देखा नहीं, लेकिन ये जीवन हमारे धन्य हो गया कि आज जो युग परिवर्तन के लिए परम पूज्य गुरुदेव इतने बड़े काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग पूरा दिन रात देखते नहीं थे, पूरा काम में व्यस्त रहते थे, लगता था कि हमारा जीवन धन्य हो गया, अच्छा लगता था। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा। मिशन के प्रति झुकाव हमारा 1981 में हमारे पिताजी श्री गंगा प्रसाद साहू जी, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से डायरेक्ट दीक्षा ली थी सीधी गायत्री शक्तिपीठ के उद्घाटन में। तब से ही अखंड ज्योति पत्रिका हमारे घर पर रेगुलर आती थी, उसको पढ़ते थे, गायत्री महामंत्र का जप करते थे, और इस तरह से मिशन से जुड़े थे। माध्यम तो हमारे पिताजी ही थे, और वहाँ पे हमारे क्षेत्र में मिशन की गतिविधियाँ थी, गायत्री प्रज्ञापीठ, गायत्री शक्तिपीठ बना हुआ है, तो वहाँ पर गतिविधियाँ चलती थी, तो उससे हम संपर्क में आए। मुख्य रूप से गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर और इस मिशन से जुड़े। शांति कुंज 1987 में पहली बार आए यहाँ 9 दिवसीय शिविर करने के लिए। इससे पूर्व हम मथुरा एक निर्माण विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे, क्योंकि जल्दी आ गए थे इसलिए समय था, तो हमने गर्मियों के समय में पहले यहाँ 9 दिवसीय सत्र किया, फिर जाकर एक निर्माण विद्यालय में 1 वर्ष तक अध्ययन किया। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमारे अंदर की जो विचार थे उनमें परिवर्तन आया, जीवन की दिशा धारा में परिवर्तन आया, जीवन का एक लक्ष्य निश्चित हुआ कि हमें इस काम में लगना है। भौतिकवादी जो मानसिकता थी उसमें परिवर्तन आया, और आध्यात्मिकता का संचार हुआ, आध्यात्मिक विचारों से जुड़े और जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अखंड ज्योति के माध्यम से मिशन के प्रति 1987 से जुड़ा हूँ। शांति कुंज प्रथम बार 1996 में आना हुआ। मिशन से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि हमारी व्यक्तित्व तो परिष्कार भी हुआ है, और साथ में हमारा देखा देखी बहुत लोग सुधरते हुए जा रहे हैं। मिशन में मेरा झुकाव 1988 से, जब से अखंड ज्योति का पढ़ना शुरुआत जैसे किया, अखंड ज्योति पत्रिका ही मूल रूप से मेरे मिशन में जुटने का माध्यम रहा है। साथ ही साथ गुरु जी के जो पुस्तक उस जमाने में हमें उपलब्ध हुआ उस क्षेत्र में, उसका हम बराबर धीरे धीरे स्वाध्याय करते रहे, और पटना समिति अगर जैसे कार्यक्रम हुआ उस समय भी भाग लेते रहे। और इस प्रकार जब शांति कुंज से आवाहन हुआ वंदनीय माता जी का, तो उसके बाद हम पूर्ण रूप से शांति कुंज में जो आवश्यकता डिमांड था कि हमें शांति कुंज में इन दिनों 100 इस प्रकार के ब्रह्मनुचित जीवन जीने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, तो माता जी का आह्वान पर ही हम मूल रूप में यहाँ के लिए आ गए। जिसमें लखनऊ में अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उसी समय हम शांति कुंज में युग शिल्पी शिविर के लिए ही
डायरेक्टर बुलाया गया था, उसमें हम भाग लिए और फिर हम पटना रजमदन कार्यक्रम के लिए 3 महीने के लिए समय दान देने दिले। उसके बाद कुछ समय घर में रुकने के बाद फिर हमारा समय दान कंटिन्यू पति पत्नी का चलने लगा। बदलाव के अंतर्गत है कि गुण कर्म स्वभाव में एक सुधार आना, जैसे कभी गुस्सा हम में ज़्यादा ही जैसा आ जाता था, तो उस प्रकार कैसे हमने स्वाध्याय के माध्यम से अपने खान पान को सुधार करके, अपने विचारों को सुधार करके और लोगों से आत्मीयता प्रेम का विस्तार करते हुए, सब में आत्मवत सर्वित्व का दृष्टिकोण रखते हुए, समता का किस प्रकार व्यवहार करें, न्यायचित कैसे व्यवहार करें और गुस्सा उस प्रकार का नहीं आने दें, और धीरे धीरे इतने वर्षों की साधना में वो सब समाप्त हो चुका है और जिस प्रकार की परिष्कार होना चाहिए उस प्रकार का हुआ है। और कुछ कर्मों का जैसे फल जो होता है उसके अंतर्गत आदमी को संघर्ष करना पड़ता है अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए, उस प्रकार की प्रक्रिया करते करते वो सब लोगों का पूरा सफाया हो चुका है। अब हम लोगों का समझिए कि उज्ज्वल भविष्य के मार्ग पर जैसे सूर्योदय होता है जीवन का, अब वो समय आ चुका है कि यहाँ से हम लोगों को मिशन के लिए वो काम करना है जिस काम के लिए गुरुजी ने हम लोगों को अपने साथ जोड़े। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सतत प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है, उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे। मिशन में जुड़ने का माध्यम, मेरे पिताजी पहले जुड़े हुए थे, यहाँ आके शिविर वगैरह किए, फिर गांव में जा कर के यज्ञ करवाना करना ये सब गतिविधियाँ घर में चलता रहा। उसी क्रम में मैं भी देख देख करके आकर्षित हुआ और उसी के माध्यम से मैं भी इस मिशन में जुड़ा हुआ। शांति कुंज में 1990 मई में एक मासी शिविर किया, उसके बाद पुनः मैं घर चला गया था, फिर पुनः सितम्बर माह में समय दान के लिए यहाँ शांति कुंज आया श्रद्धांजलि पर्व के लिए। उसी समय से यहाँ पर मैं समय दान के रूप में पूर्णतः समर्पित हूँ और आज भी यहीं सेवारत हूँ। मिशन में जुड़ने के बाद में सेवा से जो शांति मिलती है वो निश्चित ही यहाँ पर हम लोग अनुभव किए हैं, और मिशन में जुड़ने के बाद भगवान का अनुदान वरदान तो लगा ही रहता है, मिलता ही रहता है, निश्चित ही शांति महसूस करते हैं। जन जन को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब अपना व्यक्तित्व परिष्कार करें, सब सुधरें और अपना सुधार करें। वो समस्तंकु प्रेरणा देवा पाई चाहे भी निवेदन करुची कि ए भलिया विपरीत समय रे जे परम पूज्य गुरुदेव आज देखंतु संपूर्ण विश्व रे समस्ते केमती स्थिति रे गति करिछंती, कौनसी थारे सुख शांति अमन चैन नाही, एभलिया स्थिति रे परम पूज्य गुरुदेव संपूर्ण विश्वर निर्माण पई जो संकल्प नेइछंती मनुष्य रे देवत्व एवं ए धराधाम को स्वर्ग रे परिणत करिबा पई, तेणु करे मु निवेदन करिबे आमे माने जेमिति छोट छोट व्यक्ति गुरुजी को सहित जोड़ीबा परे आम समस्तंक जीवन रे जो परिवर्तन आसीछि आपण समस्तंक जीवन रे मध्य निश्चित भाव रे परिवर्तन आसीबो। आपण माने गुरुजी को विचार को थरे स्वीकार करी देखंतु, तांकु निज जीवन रे धारण करी देखंतु, निश्चित भाव रे आपण समस्तंक जीवन रे परिवर्तन आसीबो, सुख शांति अमन चैन रे आपण माने जीवन जी पारिबे। जन जन को हमारा यही संदेश है, एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी गुरु सत्ता है, उससे जो जुड़ेगा निहाल होगा, आप सब जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जन जन को यह संदेश है कि यह युग परिवर्तन का समय है और भगवान की शक्तियाँ इन दिनों बदलने के लिए अपने माध्यम से काम कर रही है, भागवत मुहूर्त चल रहा है, तो हम इस भागवत मुहूर्त में अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं, हमारे भीतर आस्तिकता है, तो भगवान के काम में निमित्त मात्र बन करके जुड़ करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यह एक स्वर्णिम अवसर इन दिनों चल रहा है। जन जन को संदेश यही देना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हर व्यक्ति अपना अपना सुधार करे निश्चित ही युग परिवर्तन होगा, और इसीलिए
लोगों को, जन जन को यही शिक्षण देना चाहते हैं कि निश्चित हमारे गुरुदेव से जुड़े, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, निश्चित ही आपका भविष्य उज्जवल होगा, और यही हम संदेश देना चाहते हैं। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष जो इस वर्ष मनाया जा रहा है, 50 साल हो रहा है शांति कुंज की स्थापना को। परम पूज्य गुरुदेव इस समाज में एक अभिनव प्रयास किए, अपना सर्वस्व इस मिशन के लिए लगा दिए थे, और उस मिशन का स्थापना का ये 50 वर्ष हो रहा है। तो इसी वर्ष में हम ये हमारे ओर से हम प्रयत्न करते हैं कि इस समय उड़ीसा का जो दायित्व हमको दिया गया है, उड़ीसा के हर गांव हर व्यक्ति तक पहुंचाने के हम संकल्पित हैं कि गुरु जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी हमारे उड़ीसा प्रांत में ये क्रम चल रहा है। पहले सब जोन स्तर का मीटिंग हुआ, और अभी हम हर जिला के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं ये जोम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि इस जो वर्ष है, जो स्वर्ण जयंती वर्ष है, इस समय में हम घर घर तक गुरु जी के विचारों को कैसे पहुंचाएंगे, हमारे भाइयों को बहनों को सबको प्रेरणा दे रहे हैं, और हम अपने ओर से भी प्रयत्न कर रहे हैं। हम कितना शांति कुंज की विचारधारा को, गुरु जी की विचारधारा को अपने अंदर उतार सके, उसको कितना अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दे सकें, सबसे ज़्यादा हमारा फोकस यहीं पे रहेगा। काम करने में तो ये है कि जो शांति कुंज का आदेश मिलता है, डॉक्टर साहब जी का जो आदेश मिलता है, जो कार्य दिए जाते हैं, उस कार्य को पूरी ईमानदारी श्रद्धा समर्पण से करते हैं। हम लोगों का जिस प्रकार का क्षेत्र है असम नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, तो हमको है अधिक से अधिक प्रचारात्मक माध्यम से अधिक लोगों को मीडिया के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से लोगों को जोड़ें, और उनको मिशन के बारे में जानकारी दें, उनको प्रशिक्षित करें और इस अभियान में लगा दें कि वह कम से कम 2026 तक ले अपने तीव्र गति से बढ़ें, काम करें, इसमें सहयोग करें समयदान अंशदान से, और जिससे कि वो मिशन का वो पूरा प्रचार प्रसार हो जाए और आगे वो गति पकड़ लें। स्वर्ण जयंती पर यही हम संकल्प लेना चाहते हैं कि आज तक मिशन के कार्यों में जैसे लगे थे, उससे हम और बढ़ चढ़ करके गुरुदेव के विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, उसके कार्यों को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए और हम अपनी भागीदारी को और तेज गति से बढ़ाने का प्रयास करेंगे।